This is Manju Ramanan from Filmfare Middle East, and today we have the very effervescent Govinda with us. He's an actor who needs no introduction. He's been a performer. He is known for his acting. He's known for his dancing most of all, and he's a complete and total performer. He's in Dubai for a store launch, and let's see what brings him to Dubai, and let's talk to him about his films and what he does and a lot about his life. Welcome to Dubai, sir, and such a beautiful welcome here in Dubai and the store as well. And aap mujhe ye bataiye ki Dubai ke saath aapki kaun si memories hain? Aap pehli baar kab Dubai aaye the and all of that? Main jis waqt main naya naya film mein aaya ji to bahar desh se bahar pehle nikalte the hum artist log to shows ke liye idhar udhar aur usme luckily hum log दुबई आए और आए और मुझे लगता है कि 86 में ही मैं आ गया यहाँ पे. वो तो लव 86 की बात है. लव 86 जी 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 49 फिल्में कर ली थी और कामयाब हो गया था जी. और एक साथ आधा दर्जन सुपरहिट फिल्म तो आधा दर्जन सुपरहिट फिल्में आई और यहाँ आया दुबई में तो बहुत ही लोगों का जो प्रेम मिला जी और उनके उनके प्यार में एक अलग ही एक वो जो खास फील हुआ करती जी. तब आपने परफॉर्म किया था इधर इवेंट? मैंने परफॉर्म किया था और ये कहा था. अच्छा, ये जो नज़ारा यहाँ पे अब ये जो नज़र आ रहा है जी, अब वर्ल्ड के बहुत ही हसीन सिटीज में अच्छे शहर में जी, और जहाँ पे लोगों का बहुत ही मोहब्बत इखलाक और तमीज़ और अदब में जहाँ पे लोगों के साथ में इस्तकबाल किया ये करने वाली जो सिटी है, ये जो फेम इस फेम में आई है, ये मैं तब कह रहा था कि ये ऐसा होगा. अच्छा. ऐसा मुझे लग रहा था. अच्छा. यूजुअली ऐसा होता है कि समटाइम्स व्हाट यू फील जी वो दिखता है. हाँ, थोड़े समय बाद ऐसा लगता है कि देखने मिल गया यार. हाँ. वेरी गुड, अच्छा लगता है. तो आपने मैनिफेस्ट भी किया इस चीज़? हाँ, मुझे मेरी ये नेचर है. अच्छा. कि मुझे कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कामयाब हो जाएगा, ऐसा लगता है. अब मैं कह दिया करता हूँ. अच्छा, okay. मैंने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों से कहा भी. अच्छा. कि यार ये अब जो जैसा नज़ारा है, ये नज़ारा बदल जाएगा, ये बहुत कामयाब हो जाएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा जी. इस कदर हसीन हो जाएगा ये शायद ही सोचा था. अच्छा. बहुत ही अच्छा लगा. अच्छा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके. दुबई में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हो? कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आपको यू नो लाइक द फूड, यू ट्रैवल, यू स्टे, ऐसी कोई जगह है जो आपको? मैं जहाँ जहाँ का यहाँ पे नज़ारा लिया करता हूँ, मुझे उसमें नूर नज़र आता है, अलग फैक्टर नज़र आता है जी. अब वो या तो शायद मुझे नज़र आता है मैं ऐसा हो गया हूँ शायद या तो वाकई है, मुझे लगता है वाकई है. अच्छा. कनेक्टिविटी जो लोग समझते हैं और उसके साथ वो जो क्रिएटिव उनकी जो सोच है वो साथ साथ चलती है जी. आर्ट एंड कल्चर वो यहाँ बहुत अच्छा है. हाँ. और वो नज़ारा हो गया है अब वर्ल्ड के लिए जी. तो पहले टाइम जिस वक्त देखा था मैंने ये जगह. अच्छा. वो टाइम जो मुझे फील आई थी मेरे मुंह से ऐसे निकले थे वही मैं देख रहा हूँ हर जगह, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा. अच्छा, क्योंकि हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में पहला ब्रांड कौन सा खरीदा था और गिफ्ट किया था या खुद पहना था या व्हाट वाज, डू यू रिमेम्बर? मैं बिना पैसे लिए शायद ही ऐसी पब्लिसिटी करता हूँ. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो लोग आम आदमी की तरह होते हैं, जो नीचे से ऊपर आते हैं लाइफ, चाहे वो जो ब्रांड हो जी, वो जहाँ का हो जी, वो उस आदमी के लिए बहुत खास होता है. बिल्कुल. हाँ, खास तौर पे जिसकी जेब में माल पैसे नहीं होते. तो मुझे ऐसा लगता है ये मासेस की अपनी ही सोच है जी, और जिसे जिस चीज का दर्द हो या तकलीफ हो या उसकी जरूरत हो जो उसे ना मिली हो कभी, मुझे तो मेरे अपने काम से ही सब जो जुड़ी हुई चीजें जो थी वो ऐसा लगता था पैसे ही नहीं होते थे. कैसे लेंगे, कैसे क्या है, क्या है, ऐसी सहूलतें भी नहीं होती थी. और ये उस टाइम पे ये बैंक के जो आजकल ये सब मिल जाते हैं हर जगह से पैसे वैसे, ऐसे भी सुविधाएं नहीं थी. अब हार्डवर्क कीजिए, पैसे कमाइए तो ही ऐसा मौका मिलेगा. तो
और मुझ में लालच बहुत थी, मुझ में ये था कि मैं ऐसा कामयाब हो जाऊँ, ऐसा ज़्यादा काम कर लूँ कि ये सब चीज़ों की मुझे कभी तकलीफ़ नहीं आगे। तो वही मैं हार्ड वर्क कर करके मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा। मैं कामयाब हो गया तो इतना ज़्यादा हो गया कि मौके ही नहीं लगा कि कभी मैं इस खास ब्रांड के लिए इस खास शहर में यहाँ मूव करके आऊँ, ये तारीख को हम यहाँ चलेंगे, अपना घूमे फिरेंगे, बीवी के साथ यहाँ पर ऐश कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया और काफ़ी साल 14-15 साल रहा जी, और भूख बहुत थी, खा गया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू दोज़ हु हेल्प मी आउट टू फुलफिल माई ऑल ड्रीम्स। और ख़ास तौर पे मैं जो माँ बाप की सेवा कर पाया जी, भाई बहन घर परिवार के पूरे जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो मेरा इतना ज़्यादा देख लिया कि थोड़ा सा भारी निकल आया मैं ये सब चीज़ों से जो है उसमें। मैं वो लोगों को बहुत प्रेम करता हूँ, वो लोगों से मैं आई कैन अंडरस्टैंड देयर फील, यू नो कि हाउ मच देयर फीलिंग, कि जैसे हम छोटी सी एज में साइकिल के लिए रोना शुरू हुआ था और फिर वो यंग हो गए, जवान हो गए, 14 साल के हुए, तब जाके मम्मी कही कि आप चीची के लिए साइकिल ले आओ, तब तक के लिए वो पैसे ही नहीं होते थे। तो जो बच्चे लोगों के दिल में हुआ करता है ऐसा थॉट, अच्छा ये था कि जो माँ कर दिया करती थी वही करता था, क्योंकि लेडीज लोगों के ज्यादा पता होता है कि शॉपिंग क्या करनी चाहिए, मर्दों में इतनी अकल आती नहीं जल्दी। और बजट भी रहता है ना। आई एम सॉरी, आप बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, कीजिए। आप जब स्कूल में थे और आप जब स्कूल में थे एंड यू आर ग्रोइंग अप, तो आपके आसपास के लोगों को आप में वो हीरो दिख गया था जो आपको शायद बाद में दिखा, ऐसा स्टोरी है कि इज दैट ट्रू? नहीं, मेरे साथ तो थोड़ा ना अजीब ही था वो, दिखा ही नहीं किसी के लगा ही नहीं हीरो हो जाएगा कभी। हर आदमी तू हीरो हो जाएगा, अच्छा तू इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं कर रहेगा पूरी फैमिली को, ऐसे सब सवाल मुझे पूछा करते। अच्छा। फिर जिस वक्त थोड़े बहुत लोग ऐसे जो होते थे वो हार्ड वर्क देखने के बाद कहते थे ये आदमी पक्का हीरो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है ये तो निकलेगा, टॉप पे आएगा, ऐसे हुआ करते थे। पर ज़्यादातर तो लोग यही कहते थे क्या है इसका, लगता है क्या ये हीरो हो जाएगा क्या, खासतौर पे घर परिवार वाले जो है, जितने टाइम पे वीडियो करने के लिए इसके लिए सुविधाएं नहीं होती थी, शूटिंग के लिए पैसे मांगते थे, मम्मी इतने पैसे क्यों दे रहे हो इसे, ये सब वेस्ट करते, अकल तो है नहीं इसे। तो ऐसा बहुत हुआ करता था। और डांस में भी आप कंप्लीट एक्टर हो, पर डांस का आपका स्पेशल, आपके बारे में बोला जाता है कि गोविंदा मीन्स डांस, इट हैज अनदर कनेक्शन, और मिथुनदा के डांसेस से आप काफी इन्फ्लुएंस, यू लाइक हिम एंड जितेंद्र साहब भी, बेशक, तो उनके बारे में बताइए, उनसे जब मिले आप तो व्हाट वाज दैट मोमेंट? ये पहले फिल्म लाइन में ये दौर चलता था कि जिस वक्त हीरो स्ट्रगल के लिए आते थे 3-4 घंटा वो लोग जो है वो प्रोड्यूसर के यहाँ पे कम से कम 3 आवर्स तो वो ऑफिस पे उनके बैठेंगे, ये तय था, फिक्स था, 3-4 घंटे बाद वो आएगा प्रोड्यूसर, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट 555 का पैकेट हाथ में लेके प्रोड्यूसर सब आया। बहुत टाइम वो देखता ही नहीं था और फिर कहीं नजर पड़ गई, देखा तुझे पहले कहीं, तो वही खास खास सवाल, फोटोग्राफ लाए ये लाए वैसा, मैं सोचा यार इन लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं आई स्टार्टेड दिस न्यू वे, वीडियो शूट करो और इन्हें दिखाओ, तो आई स्टार्टेड दैट। तो वो जो अच्छा ये सब जो उनके जहाँ पे जॉब करते थे जी, हाँ। उन्हें सभी पढ़ा लेता था मैं, चाय वाय पिला दिया इसको, खाना खिला दिया, कहीं उधर गया, सो दे बिकेम योर टीम। हाँ, प्रोड्यूसर आया कब आया, खाया तो कब खाया, उठा बैठा कब, कहाँ था क्या था, सब पूरी इंफॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत वर्क किया और वो लोग जिद करके मैं जो काम करता था उन्हें दिखा दिया करते थे जी, तो दैट वर्क्ड ज़्यादा। और जहाँ जहाँ जिस आदमी ने भी वो मेरा वीडियो देखा जी, हर किसी ने मुझे फिल्म ऑफर की और की, तो मैं फिल्मों में नहीं आया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुझ में आ गई थी और ऐसा माँ बाप का आशीर्वाद लगा, माँ की दुआएं थी साथ, कि 49 फिल्म्स की
और उससे पहले 25 फिल्में दिलीप साहब ने छुड़वा दी थी। दिलीप साहब ने कहा कि 25 फिल्म छोड़ दो। मैं कहा सर क्यों इतने पैसे 25 फिल्में क्यों छुड़वा दी थी? वो कहे इतना ज़्यादा काम इतनी फिल्में नहीं कर सकते तुम, नहीं होगी तो तुम छोड़ दो 25 फिल्में। तो मुझसे हाँ एक पूरे के पूरे विद इन दिस 24 आवर्स आई लेफ्ट 25 फिल्म छोड़ दी। तो फिर 49 रह गई। वो 49 लोग फिल्में बना भी पाए और वो हिट हुई, वो कामयाब हुई और फिर मैं फ्री हुआ थोड़े समय में। और वाकई सच कह रहे थे वो, इतना ज़्यादा काम मतलब कर भी नहीं सकता बहुत टफ। आपकी मम्मी की बात करेंगे, क्लासिकल सिंगर जी, आपने उनसे क्या सीखा? आप गा सकते हैं कुछ हमारे लिए? जस्ट टू थ्री लाइंस, कैन यू सिंग एनी ऑफ हर सॉन्ग्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम हर? एकदम से आपने पूछ लिया जी, मेमोरीज की बात कर रहे हैं। वो बहुत ही सूफी थी एकदम, और जोगिया वस्त्र धारण कर लिया था उन्होंने, और मुझे तो वो जो कह दिया करती थी मैं चुपचाप कर दिया करता था एकदम, और दैट वर्क फॉर मी इन ऑल द वेज। एंड आई फील क्या मम्मी का सभी उनके सभी बहुत अच्छे थे। सूरज मंगल सोम भृगु सुता बुधवार गुरुवार दायक तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब जानकी नाथ सा। थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस।